वर्सेस लेस्टरशायर। लेस्टरशायर के खिलाफ टीम इंडिया अपना पहला चार दिवसीय वार्म अप मुकाबला खेल रही है। ये मैच लेस्टर में ही खेला जा रहा है। इसमें टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और टीम इंडिया पहली पारी में ही फंसती हुई नजर आ रही है। इंडिया के लिए ओपन करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 35 रन जोड़े, लेकिन इसी स्कोर पर विल डेविस ने 21 रन बनाकर खेल रहे शुभमन गिल को पवेलियन भेज दिया। इनके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली की जगह हनुमा विहारी उतरे। हनुमा और रोहित के बीच छोटी साझेदारी जरूर हुई, दोनों ने टीम के स्कोर को 50 तक पहुंचाया, लेकिन इस साझेदारी के बढ़ने से पहले ही रोहित शर्मा को रोमन वॉकर ने अपना शिकार बना लिया। रोहित के बाद हनुमा 3 रन, श्रेयस अय्यर 0 और रविंद्र जडेजा भी 13 रन की पारी खेलकर लौट गए और टीम ने 81 रन के भीतर 5 विकेट गंवा दिए। यहां से विराट कोहली और शिखर भरत के बीच अच्छी साझेदारी हुई। विराट का विकेट गिरने तक दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम का स्कोर 138 तक पहुंचा दिया था। विराट के बाद शार्दुल भी 6 रन पर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया का स्कोर कॉपी लिखे जाने तक 174 पर 7 विकेट है। इंडिया और लेस्टरशायर के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में कुछ भारतीय खिलाड़ी भी विपक्षी टीम की तरफ से खेल रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स में चेतेश्वर पुजारा, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं। इस मैच में टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, इसलिए पुजारा को अभी तक बैटिंग नहीं मिली है। इसके अलावा ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने विकेट के पीछे से 2 इंडियन खिलाड़ियों को वापस भेज दिया है। इसमें शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का विकेट शामिल है। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने कॉपी लिखे जाने तक मैच में 9 ओवर डाले हैं, जिसमें उन्होंने 34 रन ही दिए हैं। इनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच में 10 ओवर फेंके हैं, जिसमें उन्होंने कुल 37 रन देते हुए श्रेयस अय्यर का विकेट निकाला है। आपको बता दें, टीम इंडिया का ये पहला वार्म अप मैच है। टीम इसके बाद 2 वार्म अप मैच और खेलेगी। T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले ये 2 मुकाबले डर्बीशायर और नॉर्थहैम्प्टनशायर के खिलाफ होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत, कैमरे के पीछे जतिन, और ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी टीममेट गरिमा ने। आप ये वीडियो ललन टॉप स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं। यहाँ आपको मिलते हैं किस्से, कहानियाँ, इंटरव्यूज और भी बहुत कुछ। तो ऐसी स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया।